हाय गाइस, आज तो कमाल हो गया दोस्तों। आज इंडिया शायद जीतेगा 300 रन से, 358 रन की जीत के लिए। यहाँ पे लगातार विकेट एक के बाद एक विकेट जा रहा है दोस्तों। यहाँ पे प्रथम निशंका दिमुत तरंटे दोनों बल्लेबाजी करने आए, वापस आते गए मोहम्मद सिराज रवाना किया, एक को भी बुमराह ने लेग बाय विकेट, लेग बाय विकेट दोनों बल्लेबाज। दोस्तों बात करेंगे, कुशार मेंडिस कैप्टन आए थे, वो भी एक रन बना के आउट हुए, 10 रन के अंदर सामना किया। मोहम्मद सिराज ने उनको भी चलते किया दोस्तों। इसके बाद लगातार बैक टू विकेट जितने निकलते गए, एक के बाद एक विकेट निकला। यहाँ पे सदेरा समीर विक्रमा दोस्तों 0 पे आउट हुए थे मोहम्मद सिराज की गेंद पर। लेन कैच लपका सदेरा 0 पे आउट हुए। करीज असलंका मोहम्मद शमी गेंद पर, जडेजा ने कैच लपका असल नंबर, यहाँ पे एक रन पर आउट हुए थे वो। यहाँ बात करेंगे सदेरा की, 0 पे चरित असलंका एक रन बना के आउट हुए। एंग्लो मैस नॉट आउट हुए, 10 रन बना के नॉट आउट हुए। और यहाँ पे बात करेंगे दर्शन हेमलता की, वो भी 0 रन बना के विकेट गवाया था। और भी दर्शन कैमरा बल्लेबाजी करने हैं, नॉट आउट हैं वो बल्लेबाज एंग्लो मैच के साथ दोस्तों। रोटर की बात करेंगे, अब 21 रन बने हैं अभी तक, 6 विकेट गिर चुके हैं श्रीलंका टीम के, और बहुत ही टीम दबाव में आ चुकी है लगातार बैक टू बैक विकेट जाने के बाद। लगा दोस्तों आज ये महामुकाबला और कमर्शियल मुकाबला होगा, इतिहास के पन्नों में दर्ज चुका कि ऐसा मुकाबला होगा जो 21 रन में 75 विकेट गिर चुके हैं। यहाँ पे वो टीम शायद 30 रन ही बना पाए या ना पाए, 11 ओवर में 15 ओवर तक टीम सिमटने का हो सकता है, क्योंकि रन रेट करंट 1.90 की आ रही है। जीत के लिए यहाँ पे 357 रन की पारी खेलने की बड़ी पारी खेली है। अब मैच देख सेना कजू हजिता दिशा लीलचान मधुसंघ का ये बॉलर्स बाकी हैं जो बल्लेबाजी करने आएंगे। पूरा मैच ही पलट गया, पूरा मैच ही सिराज बुमराह और शमी ने मिलकर 3-3 विकेट लिए हैं सिराज और शमी ने, और 2 विकेट यहाँ पे बुमराह ने चटकाए हैं। लगातार विकेट लिए हैं, एक और 2 विकेट, बल्लेबाजी बहुत ही शानदार रही है। बात करते हैं बॉलिंग की, इंडिया की बॉलिंग की परफॉर्म किस तरह से रहा इस मैच का, देखते हैं बॉलिंग का परफॉर्म दोस्तों। मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह ने गेंद डाली है। यहाँ पे बुमराह के 5 ओवर में 1 मिनट 8 रन देखे, 1 विकेट यहाँ पर उनको मिला है, 1.60 की इकोनॉमी रही है। मोहम्मद सिराज आए 3 विकेट लिए, यहाँ पे 5 ओवर में 2 मिनट 8 रन दिए। और वहाँ पे मोहम्मद शमी की बात करेंगे, यहाँ पे 1 ओवर में 1 मिनट निकाला, उसमें 2 विकेट चटकाए थे दोस्तों। और परफॉर्म बहुत ही शानदार अच्छा देखने को मिला है, हैट्रिक हुई है मोहम्मद शमी की, अच्छा परफॉर्म देखने को मिला है इस मैच का। 1-0 पे पहला विकेट प्रथम निशंका का, उसके बाद पहली गेंद पे बुमराह ने आउट किया, 2 पे दूसरा विकेट दिमुत कंटे का, उसके बाद 2 पे तीसरा विकेट सदेरा विक्रमा का, उसके बाद 4 पे 3 चौथा विकेट चौथे ओवर पहली गेंद कुशा मेंडिस का, उसके बाद 14 पे 5 विकेट सरित असलंका का, और 14 पे 6 विकेट दर्शन हेमलता का गिरा था दोस्तों 10वें ओवर तक। तो मुकाबला और भी खराब हो चुका है, परफॉर्म एक के बाद विकेट निकलते गए। यहाँ पे परफॉर्म बहुत ही अच्छा देखने को मिला है, यहाँ पर बॉलिंग का परफॉर्म बहुत ही अच्छा खेली है आज इंडिया टीम, और यहाँ पे बॉलिंग की दाद देनी पड़ेगी। शमी और सिराज और बुमराह की जितनी तारीफ करें उतनी कम है, और के एल राहुल भी अच्छी यहाँ पे फील्डिंग भी कर रहे हैं, विराट कोहली रोहित शर्मा बहुत ही अच्छा परफॉर्म देखने को मिला है इस मैच में, बहुत ही शानदार और अच्छा परफॉर्म दोस्तों। आज बात करें इंडिया टीम की, नमस्कार दोस्तों बात करेंगे आज इंडिया वर्सेस श्रीलंका के बीच का मुकाबला, 33वां मुकाबला जो खेला जा रहा है वानखेड़ा स्टेडियम में दोस्तों। हम बात करने वाले हैं नवंबर 2 को खेलने वाला 33वां मुकाबला आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का मुकाबला दोस्तों। यहाँ पे 193 रन बन चुके हैं इंडिया टीम के, 2 विकेट नुकसान पर दोस्तों। सुमन गिल की 92 की पारी रही, यहाँ पे शानदार बेहतर चक्के चौके की बारिश दोस्तों, अच्छा प्रदर्शन रहा, लेकिन 8 रन से दूर रहे शतक से, और अच्छा परफॉर्म देखने को मिला यहाँ पे इंडिया वर्सेस श्रीलंका बीच का मुकाबला दोस्तों। रोहित शर्मा आउट होने के बाद सुमन गिल और विराट कोहली ने पूरी पारी संभाली, वो 193 रन तक इस मुकाबले को पहुँचाया श्रीलंका वर्सेस इंडिया के बीच का मुकाबला आज दोस्तों। बात करें सुमन गिल की तो दोस्तों यहाँ पे 92 की पारी खेली थी आज उन्होंने, 92 गेंदों का सामना करते हुए 11 चौके उन्होंने बाउंड्री लगाई थी, 11 बाउंड्री आई उनके बल्ले से, 2 छक्के आए थे, 100 की दी थी स्ट्राइक रेट, और 92 गेंदों का सामना करते हुए 92 की रन की पारी खेली, मात्र 8 रन दूर थे शतक से। और मधुसूदन की आसान सी गेंद और पुल करने की कोशिश की, लेकिन सीधा फील्डर के हाथ में मेंडिस के, कुशाल मेंडिस ने यहाँ पे सुमन गिल का कैच लपका, वो 92 पे विकेट गवाया था सुमन के लिए आज। बात करें विराट कोहली की, नॉट आउट है शेष लय के साथ, दोनों बल्लेबाज खेल रहे हैं दोस्तों। बात करें विराट रोहित शर्मा सुमन की, दोनों बल्लेबाजी करने आए थे, रोहित शर्मा कैप्टन 4 रन की पारी खेली, 2 गेंदों का सामना किया, 1 चौका बल्ले से आया था, दूसरे चौके के चक्कर में मधुसंघा ने यहाँ पे उनको बोल्ड हुए, और रोहित शर्मा आज कैप्टन बोल्ड होकर वापस जाना पड़ा 4 रन बना के, 200 की स्ट्राइक रही थी, 2 गेंदों में 4 रन बनाए थे उन्होंने। उसके बात करें दोस्तों सुमन गिल की, मधुसंघा एक गेंद पर यहाँ पर कुशा मेंडी ने आसान कैच लपका, पुल करने की कोशिश की, यहाँ पे 92 गेंद सामना किया, 92 रन बनाए थे, 11 चौके 2 छक्के उनके बल्ले से आए थे, 200 के थे स्ट्राइक रेट। विराट कोहली अगर बात करें 88 की पारी उन्होंने इस मैच में खेली है, अभी 90 गेंदों का सामना करते हुए
ग्यारह चौके उनके बल्ले से आ चुके हैं, 97.77 रही उनका स्ट्राइक रेट। यहाँ पर दोस्तों अच्छी बल्लेबाजी देख, विराट कोहली द्वारा बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस देखने मिला है। यहाँ पे शुभमन गिल की बात करें दोस्तों, मधुसूदन गेंद पे यहाँ पे वेंडीज के क्लब का, और शुभमन गिल दोस्तों आज 92 रन बनाए थे, 8 रन दूर है मात्र शतक से। और यहाँ पे अगर शतक जड़ते तो अच्छा परफॉर्म देखने मिलता। विराट कोहली की बात करें 88 विकेट यहाँ पे रन बनाए थे उन्होंने इस मुकाबले में, और यहाँ पे भी बल्लेबाजी कर है, क्रीज मौजूद है विराट कोहली श्रेयस अय्यर के साथ। दोस्तों जीरो पे नॉट आउट है श्रेयस, भी एक्स्ट्रा रन कोई 10 रन मिले हैं उनको। टोटल यहाँ पे 194 टू विकेट 30 ओवर की पारी हो चुकी है, यहाँ पे 6 की आ रही है प्रति ओवर रेट। दोस्तों आज मुकाबला और भी शानदार हो सकता है, उसमें बल्लेबाजी बाकी है। KL राहुल, सूर्य कुमार यादव, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव और मोहम्मद सिराज बल्लेबाजी करेंगे आज इंडिया की तरफ से। इंडिया वर्सेस श्रीलंका बीच का मुकाबला आज का ICC के वर्ल्ड कप 23 का मुकाबला बहुत ही शानदार अच्छा देखने को मिला। दोस्तों शुभमन गिल की आज 8 रन से दूर रहे, 5 दूर रहे यहाँ पे 92 की बहुत ही ताबड़तोड़ पारी खेली। रोहित शर्मा आउट होने के बाद दोनों बल्लेबाजों ने पारी संभाली और 92 पे शुभमन गिल ने विकेट गवाया। विराट कोहली बल्लेबाजी करें 88 पर 90 रन का 90 गेंद सामना किया, 88 रन बनाए और 11 चौके उनके बल्ले से आए थे, 2 चक्के लगा चुके हैं शुभमन गिल, 11 चौके लगाए थे और यहाँ पे 11 चौके विराट कोहली के बल्ले से आए हैं। दोस्तों शेयर्स अय्यर की बात करें, 0 पे भी खेल रहे हैं, 10 रन मिले थे यहाँ पे एक्स्ट्रा, 194 पर 2 विकेट 31 ओवर की पारी हो चुकी है। यहाँ पे आज का मुकाबला ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप का 2023 का मुकाबला। दोस्तों ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप इंडिया 2023 में मुकाबला होने वाला। दोस्तों बात करेंगे बैटिंग की, बाकी है सूर्य कुमार यादव आएंगे बल्लेबाजी करने, KL राहुल भी आएंगे, रविंद्र जडेजा सब ताबड़तोड़ बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। लास्ट 20 ओवर खेलने हैं अभी, विराट कोहली क्रिज मौजूद हैं अय्यर के साथ, इसके बाद दोस्तों KL राहुल, सूर्य कुमार यादव, रविंद्र जडेजा भी बल्लेबाजी करेंगे तो मुकाबला और भी शानदार हो सकता है। दोस्तों 400 तक आज का टारगेट जाने का लक्ष्य हो सकता है एवरेज स्कोर। दोस्तों बात करें बॉलिंग का परफॉर्म किस तरह से आता है इंडिया टीम का आज, श्रीलंका टीम का आज इंडिया के खिलाफ, तो हम बात करेंगे बॉलिंग के परफॉर्म की। बॉलिंग दोस्तों अच्छी नहीं रही है, फील्डिंग भी अच्छी नहीं रही है श्रीलंका टीम की। मधुसिंघा ने लगाया था 2 विकेट झड़काए हैं यहाँ पे, तो मधुसिंघा ने रोहित शर्मा को चलते किया, उसके बाद शुभमन गिल आउट हुए 92 रन बना के, मधुसिंघा का अच्छा परफॉर्म देखने को यहाँ पे मिला है। दोस्तों हम बात करने वाले हैं यहाँ पे 194 टू विकेट गए थे 30 ओवर में। अगर बात करेंगे बॉलिंग के परफॉर्म की दोस्तों, तो यहाँ पे 4 रन पर पहला विकेट गिरा था रोहित शर्मा का पहले दूसरी गेंद पर, उसके बाद दोस्तों 193 पर दूसरा विकेट शुभमन गिल का, 27 और 6 गेंद तक 2 विकेट गिर चुके हैं। दिलशन, मधुशंका, दसवंथा, कैमेरा, कसुन, दजिथा, एंग्लो मैथ्स, महेश टिक्सेना, दुशन, हेमंथा, ये बल्लेबाजी वे बॉलिंग करेंगे आज इस मुकाबले में। दोस्तों मधुशंका 6 ओवर हो चुके हैं यहाँ पे, 45 रन दिए उन्होंने, 2 विकेट यहाँ पर चटका है, 450 की यहाँ पे देखने को मिली एक ओवर में, 3 तली वाली गेंद। दसवंथा कैमरे की बात करें 6 ओवर वाले 2 मैडे निकाले यहाँ पे 31 रन देखे, 5/16 की इकोनॉमी देखने को मिली है। कसुन रजिता दोस्तों यहाँ पे 5 ओवर में 19 रन दिए हैं, 5.80 की रही इकोनॉमी। एंग्लो मैच दोस्तों 3 ओवर डाले हैं 11 देखे, 3.66 की इकोनॉमी देखने को मिली है यहाँ पे। महेश टिक्सेना दोस्तों 5 ओवर में 35 रन देखे, 7 की इकोनॉमी देखी है यहाँ पे। दशुन हेमंता दोस्तों 6 ओवर में 39 रन देखे, यहाँ पे 6.88 की इकोनॉमी देखने को मिली है। दोस्तों आज दिलशान मधुशंका ने यहाँ पे 6 ओवर डाले, दसवंथा कैमरा ने 6 ओवर डाले, कसुन रजिता ने 5 ओवर, एंग्लो मैच ने यहाँ पर 3 ओवर डाले और महेश ने यहाँ पे दक्षिणा 5 ओवर डाले। दसुन हेमंता का छट्टा चल रहा है दोस्तों बात करेंगे प्लेइंग 11 की, तो यहाँ पर दोस्तों श्रीलंका की प्लेइंग 11 कुछ इस तरह से है। प्रथम निशंका, दिमुंत करंट आएंगे बल्लेबाजी बैट्समैन, उसके बाद खुशा मेंडिस आएंगे 3 नंबर पर, 4 नंबर पर सुधीरा समीर विक्रमा, 5 पर सैयद असलंका, एंग्लो महेश, दशुन हेमंता, दसवंत कमेरा, महेश दक्षिणा, कसुन रजिता और दिलशान मधुशंका ये बल्लेबाजी करने आज श्रीलंका की तरफ से अपना परफॉर्म दिखाएंगे। दोस्तों आज का मुकाबला महामुकाबला होने जा रहा है दोस्तों, आज का इंडिया वर्सेस श्रीलंका के बीच का मुकाबला ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का 33वां मुकाबला खेला जा रहा है, 33 और 45 मुकाबले होने हैं ये वर्ल्ड कप के। श्रीलंका दोस्तों टीम की बात करें, प्रथम निशंका, दिमुत करांडे, कुसार मेंडिज, सजरा चरित श्रीलंका, एंग्लो मैथ्स, उसन हेमंता, दुसुंथा कमेरा, महेश दक्षिणा, दुशंका रजिता दोस्तों ये बात परफॉर्म करेंगे।
दोस्तों बॉलिंग की बात करी थी हमने आज, दिलशान का बहुत ही फास्ट गेंदबाजी, अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे करी है उन्होंने, वो यहाँ पे विकेट भी लिए हैं दोस्तों। पहला विकेट झलकाया था, रोहित शर्मा को आउट किया था, दूसरी गेंद पर ही पहला चौका है, दूसरी पुल करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे बाहरी किनारा लगता बचा और यहाँ पे सीधा जाके स्टंप पे गेंद टकराया, यहाँ पे स्टंप पिन और जब डायरेक्ट बोल्ड हुए दिलशान मुंशी के गेंद पर। रोहित शर्मा आज 45 रन आए थे उनके 6 ओवर में से, 2 विकेट उनको मिले हैं, 7.50 की इकोनॉमी रही है और 3 डाली थी उन्होंने वाइड गेंद। दुश्मन था कैमरे की बात करेंगे, यहाँ पर 6 ओवर डाले हैं, 2 मिनट निकाल के 4 ओवर में 31 रन।